गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल एंड आल्सो वेलकम टू माय क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 11 फॉर फिफ्थ साइंस एंड द चैप्टर नेम इज रॉक्स एंड मिनरल्स। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट रॉक्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स। टुडे वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल बी अवर ग्रेनाइट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स। क्या होती है वो? मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स होती है ग्रेनाइट। इज हार्ड रॉक। कैसी होती है? हार्ड होती है। ग्रेनाइट इज यूज टू मेक पेविंग स्टोन्स और इन बिल्डिंग्स। कहाँ यूज होता है इसका? पेविंग स्टोन्स के अंदर, जो हमारी बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर इसका यूज होता है। ग्रेनाइट इज ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या होते हैं जो ग्रेनाइट होते हैं? हमें मैनी मैनी कलर्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर ये अवेलेबल होती है। वाइट, ग्रे, पिंक, रेड आर द मोस्ट कॉमन कलर। कौन कौन से कलर्स होते हैं? जो वाइट, ग्रे, पिंक एंड रेड आर द मोस्ट कॉमन कलर्स। ग्रेनाइट कंटेन बेसिकली थ्री मिनरल्स। जो ग्रेनाइट क्या कंटेन करता है? बेसिकली तीन मिनरल्स वो क्या करता है? वो कंटेन करता है। थ्री मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है, वाइट, ग्रे, पिंक एंड रेड। दीज आर क्वार्टर्स, मीका एंड फाइल्सपार। इट इज यूज टू मेक बिल्डिंग एंड फ्लोर। कहाँ यूज होता है इनका? इनको जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो हमारे फ्लोर्स होते हैं, जो हमारे हाउसेस होते हैं, उनके अंदर इनका यूज होता है। ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ अवर ग्रेनाइट। नेक्स्ट विल बी बसाल्ट। बसाल्ट इज फॉर्म्ड बाय क्विक लावा कूलिंग ऑन अर्थ सरफेस। इट इज फाइन ग्रेन एंड ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर। कैसा होता है ये? जो लावा होता है वो जो ठंडा हो जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर, जो अर्थ सरफेस के ऊपर, देन फिर क्या होता है? वो हार्ड हो जाता है। और जो कलर कैसा होता है इसका? ब्लैक होता है। आल्सो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो कलर कैसा है इसका? ब्लैक कलर होता है। जो लावा होता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो ठंडा होने के बाद देन कैसे फॉर्म में आ जाता है? ब्लैक कलर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल बी प्यूमिस। इट इज अ लाइट वेट रॉक्स। कैसा होता है? लाइट वेट होता है, कम ही वेट होता है इसके अंदर, हल्का होता है ये। प्यूमिस इज फॉर्म्ड बाय लावा फ्रॉथ। कैसा होता है? कैसे फॉर्म्ड होते हैं? लावा की फ्रॉथ की वजह से ये क्या फॉर्म्ड होता है? जो हमारा लावा होता है, देन क्या होता है? देखा होगा आपने वोल्केनो के चैप्टर में, लावा कैसा होता है? रेड कलर्स का होता है, फिर वेंट की फॉर्म में वो बाहर निकलता है। वेंट इसमें जो छोटे छोटे उसके अंदर जो होल्स होते हैं, डीप होल्स होते हैं। एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द प्यूमिक स्टोन्स। जो एयर क्या होती है? ट्रैप होती है इनसाइड द प्यूमिक स्टोन्स के अंदर। दिस मेक्स इट वेरी लाइट। इट मीन्स क्या? जो एयर जब ट्रैप होती है क्या प्यूमिक जो स्टोन्स में, तो जो एयर निकल के जाती है, देन इससे क्या होता है उनका वेट कैसा होता है? लाइट हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। इट इज यूज एज बिल्डिंग मटीरियल्स लाइक कंक्रीट ब्लॉक्स, एज ए टीथ पॉलिशिंग पाउडर बाय डेंटिस्ट एंड एज ए स्क्रबर टू रिमूव डेड स्किन सेल फ्रॉम दी बॉडी। क्या होता है इसके अंदर हमारे पास? ये कैसे यूज होता है? इसको यूज करते हैं हम बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, क्रसर ब्लॉक्स के लिए। जो डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं जो टीथ की पॉलिशिंग के लिए, आल्सो क्या करते हैं इसका हम यूज करते हैं एज ए स्क्रबर टू रिमूव डेड सेल्स फ्रॉम दी बॉडी। हमारी बॉडी में से जो डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। आप देख सकते हो ये फिगर है हमारा, इसके अंदर क्या है? ये छोटे छोटे जो क्या है, ये होल्स होते हैं। इट मीन्स क्या? इसमें से जो हमारे एयर वो ट्रैप्ड होके जा रही है, इसी वजह से कैसे होते हैं ये प्यूमस होते हैं, जो लाइट कलर होते, लाइट वेट होते हैं। कैसे होते हैं? फिर ये लाइट वेट होते हैं। देन स्टूडेंट नेक्स्ट विल बी सेडिमेंट्री रॉक्स। All rocks on the earth's surface slowly break down into small pieces. It means जितनी भी rocks होती है जो हमारे earth surface के ऊपर, वो धीरे धीरे क्या होती है? Small small छोटे छोटे pieces के अंदर वो क्या होता है? Divide हो जाती है, वो break हो जाती है। These small pieces are called sediments. इनको जो small छोटे छोटे pieces के अंदर क्या होती हैं, जो हमारे earth surface के ऊपर जो rocks होती हैं वो breakup हो जाती है, उनको बोलते हैं sediments.
सेडिमेंट्स आर मूव्ड और डिपॉजिट एट वन प्लेस बाय रनिंग वाटर विंड वेव एंड ग्रेविटी। इट मीन्स क्या है, जो सेडिमेंट्स क्या कैसे मूव्ड होते हैं, कैसे चलते हैं और डिपॉजिट होते हैं किसी प्लेस के ऊपर बाय रनिंग वाटर की वजह से, हवा की वजह से, विंड और ग्रेविटी की वजह से वो वहाँ डिपॉजिट होते हैं किसी प्लेस पे। दीज आर नोन एज सेडिमेंट्स। नेक्स्ट विल बी दे गेट डिपॉजिट इन लेयर एट द बॉटम ऑफ लेक्स एंड ओशंस। जिनकी लेयर है आपको कहाँ पाई जाती है, जो बॉटम होता है हमारे, जो बॉटम जो लेक्स वगैरह जो ओशंस होते हैं समुंदर के किनारे, लेक होती झीलें वगैरह, वहाँ पे भी आपको एक इनकी एक लेयर डिपॉजिट हुई मिलेगी। लेयर्स ऑफ सेडिमेंट सिमिटेड टुगेदर टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होता है, एक लेयर्स होती है, क्या होती है, सिमिटेड फॉर्म में होती है टू फॉर्म, जो क्या बनाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती है। जो प्रेशर होता है जो अपर लेयर्स के ऊपर, जो सीमेंट चेंज सेडिमेंट्स इंटू सेडिमेंट्री रॉक, जो हायर प्रेशर की वजह से क्या होता है अपर लेयर के ऊपर जो हमारे जो सीमेंट किसके अंदर चेंज हो जाती है, सेडिमेंट्री इंटू सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू नो अबाउट एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है टू नो अबाउट जो एंशियंट प्लांट्स होते हैं, पहले जो एंशियंट टाइम के जो प्लांट और एनिमल्स के लिए, उनके लिए जो साइंटिस्ट है वो यूज़ करते हैं। इट मीन स्टडी किया उन्होंने इन रॉक्स के ऊपर, बिकॉज दे आर ट्रेस ऑफ एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड फॉसिल्स इन द लेयर्स ऑफ दीज रॉक्स। इट मीन्स क्या है, जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं स्टडी किया इन रॉक्स के ऊपर, बिकॉज इन्होंने ट्रेस किया जो एंशियंट जो प्लांट्स है जो एनिमल्स है उनको, उनको बोलते हैं फॉसिल्स इन द लेयर्स ऑफ दीज रॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स को उनको। सो आपको यहाँ तक क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है। आज हमने किया ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, प्यूमिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। हैव यू एनी डाउट, देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।